नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षक की पोर्टल पर फीडिंग कब तक होगी कि नहीं होगी, यदि होगी तो कब तक होगी, क्या जो सितंबर में आदेश निकला था अतिथि शिक्षक भर्ती प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय में होने का, क्या वह गलत है कि नहीं है, यदि पोर्टल पर भर्ती होगी तो कब तक हो सकती है। आज हम इस सभी प्रश्नों पर बात करेंगे। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं, आप अतिथि शिक्षक से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तब आप इस मेरे इस चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके टॉपिक से संबंधित छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी जानकारी पर वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आने का प्रयास करता हूँ। तो हम चलते अपने टॉपिक पर बिना समय बर्बाद किए हुए। तो पोर्टल पर अतिथि शिक्षक की भर्ती जरूर होगी, आप बिल्कुल परेशान न होइए। हाँ, इतना जरूर है कि उसमें टाइम लग सकता है, एक माह दो माह, जैसे पिछली बार समाज विज्ञान की भर्ती पोर्टल पर अतिथि शिक्षक की हुई थी, भले ही लेट हुई थी। कई अतिथि शिक्षक जो समाज विज्ञान से कार्य कर रहे थे वर्ग दो में, तो उन्होंने गंतव्य स्थान स्कूल छोड़कर कोई दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया था, जिसके कारण उनकी लेट जो ज्वाइनिंग थी वह जो दूसरे स्कूल में हुई थी प्राथमिक या हाई स्कूल में, तो उतने माह का उन्हें नुकसान होना सहना पड़ा था। इसलिए आप बिल्कुल परेशान न होइए, आप जिस स्कूल में हैं नियमित रूप से जाइए। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ, आप जिस स्कूल में जा रहे हैं उसी विद्यालय में आप पर डे जाइए, नियमित रूप से जाइए, अपना अध्ययन कार्य करिए, अपना अध्ययन कार्य करवाइए और बिल्कुल परेशान न होइए, मानसिक टेंशन न लीजिए, जो भी कार्य होना है उसको समय पर डिपेंड रहने दीजिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है तो अतिथि शिक्षक की भर्ती प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की पोर्टल पर ऑनलाइन फीडिंग जरूर होगी, और जो आदेश निकला था जहाँ तक मुझे जानकारी है वो सही है। बाकी देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, कब तक भर्ती होती है, अतिथि शिक्षक की पोर्टल पर ज्वाइनिंग कब तक होती है, लेकिन ये निश्चित है कि होगी ज़रूर। समय लग सकता है, एक माह भी ले सकते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है तो 15 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।